पीएम मोदी आज राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरेंगे। भरतपुर और नागौर में दो रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की सुबह 12:15 बजे भरतपुर में होगी रैली, उसके बाद नागौर जाएंगे। नागौर में जनसभा से पहले वीर तेजा जी के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सीएम गहलोत के गढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। जोधपुर में विजय संकल्प बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा बिलाड़ा में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। ओसिया और जैसलमेर में करेंगे रैली। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी आज सीएम गहलोत के गढ़ में 4 रैलियां करेंगी। भीनमाल, गौरी, मन्ना, झावार और भोपालगढ़ में होगी वसुंधरा की रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज राजस्थान में 4 रैलियां होंगी, 2 जनसभा जालौर और 2 रैलियां बाड़मेर में होंगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अलवर जाएंगे, तिजारा में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह ने अजमेर में राहुल गांधी को ओबीसी के मुद्दे पर घेरा, कहा पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी की सरकार ओबीसी विरोधी रही। अमित शाह ने अजमेर में किया रोड शो, कहा पीएफआई वालों ने हमारी छाती पर रैली निकाली और सीएम गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। अशोक गहलोत ने राजस्थान को दंगों का प्रदेश बताया, जयपुर में अमित शाह का निशाना। 5 साल में राजस्थान में जितने पेपर हुए सब लीक हुए, गहलोत सरकार ने युवाओं का जीवन बर्बाद किया। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदातों को लेकर प्रियंका गांधी को घेरा, पूछा क्या वो किसी पीड़िता के घर गए। चित्तौड़गढ़ की रैली में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, राजस्थान में उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं मिल रहा। महंगाई को लेकर बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा अगर प्रदेश सरकार कैंप नहीं लगाती तो जनता कैसे रहती। प्रियंका गांधी पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, अगर भारत में हिंदू के लिए 2 शब्द नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हिंदू कहता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, आप ऐसी संस्कृति का जयगान नहीं करेंगे तो किसका जयगान करेंगे। सीएम हेमंत ने निशाना साधते हुए कहा प्रियंका गांधी को बोलिए जब तक हमारी सांस रहेगी हम हिंदुओं का जयगान करेंगे। तेलंगाना विधानसभा के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में शाम 6 बजे रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो। तेलंगाना में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह, गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कहने को कुछ नहीं, जी किशन रेड्डी का बयान सामने आया, कांग्रेस और बीआरएस को बताया भ्रष्ट। तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी ने की पदयात्रा, कहा पंचायती राज में ओबीसी आरक्षण में हम 23% से 42% करेंगे। केसीआर के सवाल उठाने पर भड़के राहुल, कहा जिस स्कूल कॉलेज में केसीआर पढ़े हैं वो कांग्रेस ने नहीं बनाया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बंपर वोटिंग, करीब 72% हुआ मतदान, सबसे ज्यादा 85.49% वोटिंग रतलाम के सोलना में हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर 68.15% से ज्यादा वोटिंग, मतदान के बीच गरियाबंद के नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, आईटीबीपी का एक जवान शहीद। मध्य प्रदेश के इंदौर, महू, भिंड और मुरैना में वोटिंग के बीच हिंसा, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, पथराव और फायरिंग की खबरें आई सामने। इंदौर 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर मारपीट का आरोप, कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत की। मतदान के दौरान हुई हिंसा पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा उम्मीद है प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करेगा। एमपी में बंपर वोटिंग से गदगद सीएम शिवराज, कहा शानदार जीत हासिल करेगी बीजेपी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी पार्टी। एमपी में जबरदस्त वोटिंग पर कमलनाथ ने जनता का जताया आभार, कहा आपका मतदान नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। हिंसा पर उतारू है बीजेपी, मतलब हार रही चुनाव, सीएम भूपेश बघेल का निशाना। सीएम फेस पर फैसला हाईकमान करेगा, हमारा टारगेट 75 से ज्यादा सीट लाना, भूपेश बघेल का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा सीएम पद की कोई लालसा नहीं, इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं। सीएम केजरीवाल का केंद्र पर आरोप, कहा मैं प्रचार ना कर सकूं इसलिए मुझे जेल में डालने की बनाई योजना। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केजरीवाल, सुनिश्चित करें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में एक भी सीट ना मिले। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा घर घर जाकर जनता से पूछे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़कर एक दिन पूरे देश पर होगा राज। केजरीवाल के बयान पर बोले गोपाल राय, सीएम का संदेश, केजरीवाल का संदेश साफ, हमें डरना नहीं लड़ना है। पीएम मोदी ने एआई और डीप फेक डिजिटल युग को बताया खतरनाक, ये समाज में तेजी से फैला सकता है असंतोष।
दिल्ली में दिवाली मिलन समारोह में पीएम मोदी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूकता जरूरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली नकली के फर्क में खत्म कर देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में एरोस्पेस और विमानन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 साल पूरे होने पर हो रहा है सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में दो एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच पहला एनकाउंटर कुलगाम में हुआ, लश्कर के 5 आतंकवादी ढेर हुए। राजौरी में सुरक्षा बलों ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी मार गया। राजस्थान में वोटिंग से पहले जयपुर के गणपति प्लाजा से फिर से निकले नोट, इनकम टैक्स विभाग को 7 लॉकर से मिले 95 लाख रुपए। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक लॉकर से मिले 500 रुपए के नोटों की गड्डियां दो अलग अलग ज्वेलर्स के बताए जा रहे हैं लॉकर। इनकम टैक्स विभाग ने गणपति प्लाजा में मौजूद रोयरा सेफ्टी वॉलेट खुलवाया, निजी लॉकर से अब तक करीब 11 करोड़ कैश मिला। इनकम टैक्स ने अब तक करीब 11 किलो 315 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। बाजार में सोने की कीमत 7 करोड़ 8 लाख आंकी गई। गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स का सर्वे फिलहाल जारी, अब तक 210 लॉकर में 166 लॉकर खुलवाए गए। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग के दौरान चट्टान बनी मुसीबत, इंदौर से नई ऑगर्स मशीन आज पहुंचेगी उत्तरकाशी। अमेरिकन हैवी ऑगर्स मशीन से शुक्रवार तक 30 मीटर से ज्यादा ड्रिल की गई, अभी 60 से 70 मीटर ड्रिलिंग बाकी है। उत्तरकाशी टनल हादसे का 7वां दिन, टनल में फंसे 40 मजदूरों में से 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की खबर। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी, टनल से मजदूरों को निकालने का काम तेजी से चल रहा। टनल हादसे के बाद रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम, पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का मॉक ड्रिल किया। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खट्टर सरकार को झटका, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण कानून को किया रद्द। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन, खरना के साथ शुरू होगा व्रतियों का निर्जला उपवास। 19 नवंबर को छठ पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे, दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने जारी किया आदेश। छठ की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम योगी, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा यमुना का हाल बेहाल हो गया, नाले का पानी यमुना में जाता है। मीनाक्षी लेखी का बयान, पानी को साफ करने की व्यवस्था नहीं है, सारी गंदगी को यमुना में डाला जा रहा है। 23 नवंबर को मथुरा जाएंगे पीएम मोदी, ब्रजराज उत्सव में करेंगे शिरकत। केरल के पथाना मिठिता में सबरी माला में हरिवर्षानम अनुष्ठान का आयोजन, कल की पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट बंद करने से पहले हुआ अनुष्ठान। अनुष्ठान के वक्त भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे, पूरे विधि विधान से की गई पूजा। वडोदरा में दिखा अद्भुत नजारा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के स्वामी महाराज के जन्म स्थल को 11,000 दीयों से सजाया गया। रोशनी से जगमगाया पूरा इलाका, श्रद्धालु का उमड़ा हुजूम। अमेरिका में कांग्रेसनल हिंदू कॉक्स का उद्घाटन, पॉलिसी एडवाइजर शलभ कुमार हुए शामिल, कहा हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए कानून बनाने में शामिल होगा कॉक्स। शलभ कुमार ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का एक तरीका, वॉशिंगटन डीसी के होटल हयात रेजिडेंसी में प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पारंपरिक बैम्बू क्राफ्ट को एक दंपति ने रखा है जीवित, सरकार की कारखंडर योजना से मिली आधुनिक मशीनों के जरिए तरह तरह के क्राफ्ट कर रहे हैं तैयार। इजराइल हमास जंग का आज 42वां दिन, अब तक इजरायली हमले में गाजा पट्टी के 11,470 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली कैबिनेट अमेरिका की अपील पर गाजा में प्रतिदिन 2 ट्रक ईंधन लाने की इजाजत देने को तैयार, इजराइल के एनएसए ने दी जानकारी। इजरायली एनएसए के मुताबिक गाजा में कम्युनिकेशन सिस्टम और पानी के सप्लाई सिस्टम को बरकरार रखने के लिए दी गई ईंधन लाने की इजाजत। इजरायल ने एक्टिव किया अपना एरो डिफेंस सिस्टम, दक्षिणी इजरायल से हमास के ठिकानों पर दागे मिसाइल्स। इजरायल ने एरो डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का वीडियो जारी किया, टारगेट को सटीक निशाने से तबाह करने का दावा। हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने भी दागे रॉकेट, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली वायुसेना हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर लगातार कर रही है बमबारी, अब तक सैकड़ों टनल किए गए तबाह। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे टनल को उड़ाने का दावा। गाजा पट्टी से इजरायल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी, टेल अवीव के आसमान में गूंजती रही इमरजेंसी सायरन की आवाज। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही कई रॉकेट को नाकाम किया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की रेड में 5 फिलिस्तीनियों की मौत, 15 लोगों को इजरायली सेना ने किया गिरफ्तार। खान यूनिस में इजरायली सेना के हमले में 11 लोगों की मौत, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में गिरावट दर 86 करोड़ 20 लाख डॉलर की आई कमी। विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब 32 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने 10 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले टीम इंडिया ने अहमदाबाद में की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास। अहमदाबाद में भारत का पड़ा भारी, ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच हुए आमने सामने, भारत को 2 मैचों में मिली जीत, 1 में हुई हार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विश्व कप फाइनल के दौरान सुरक्षा और सफाई पर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने फाइनल को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, कहा जिस तरह से भारत की टीम खेल रही है उसे रोकना मुश्किल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने की टीम इंडिया की तारीफ, कहा वर्तमान भारतीय टीम की कोई कमजोरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने भी भारतीय टीम को बताया मजबूत, कहा भारत की टीम टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम। विश्व कप फाइनल के लिए अंपायर का ऐलान, रिचर्ड केटल बोरो और रिचर्ड इलंगवर्थ होंगे मैदानी अंपायर की भूमिका में। वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा एयर शो, सूर्य किरण की टीम कर रही है रिहर्सल। वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस दुआ लिपा करेंगी परफॉर्म, समारोह में अपना नया गाना कर सकती है पेश। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी में रेत से बनाई 56 फीट की विश्व कप ट्रॉफी, लोगों ने जमकर सराहा। विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड प्रदर्शन का मोहम्मद शमी को मिला तोहफा, सीएम योगी ने शमी के गांव में स्टेडियम बनाने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव को मिल सकती है टीम की कमान, हार्दिक पांड्या को विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला जाएगा 5 मैचों की टी20 सीरीज, 23 नवंबर को खेला जाएगा पहला मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को भी मिल सकता है आराम, वीवीएस लक्ष्मण को मिल सकती है मुख्य कोच की जिम्मेदारी। सलमान खान के एक्शन थ्रिलर टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 5 दिन में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन।